Hi, welcome to my channel. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 17। तो हमें यहाँ पर थ्री मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी साइन आता है मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों में आप उसको पहले रख लेंगे, उसके बाद कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई वन बाई वन। सो 9 7ab मल्टीप्लाइड बाई -5ab स्क्वायर सी मल्टीप्लाइड बाई 6abc स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस साइन है, माइनस है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो माइनस मिलेगा, फिर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस ही मिलेगा फाइनली। सो हमें ले सकते हैं इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 × 5 × 6। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a × a × a। आप तीनों में देखेंगे कि लाइक वेरिएबल कौन कौन है, तो आपका एक यहाँ a है और इंटू यहाँ पर a है, एंड हियर इज ऑल्सो a मल्टीप्लाइड बाई b × b² × b, यहाँ लिख लेंगे। आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पर अब c जो है केवल दो में है तो आप केवल दो ही को लिखेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए 7 × 5 = 5, 6 = 30 होता है, एंड 37 = 210, -210 आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सबके पावर्स को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि बेस जो है सेम है, सो मिल जाएगा आपको a³। यहाँ पर हो जाएगा b⁻, सारे पावर्स को ऐड कर देंगे तो 1 + 2। यहाँ पर भी पावर्स को ऐड कर देंगे तो मिलेगा c⁻। और यहाँ पर हमने साथ साथ में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है इनके बीच में। मीन्स a³ × b⁴ × c⁴, ऐसे लिखा हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी ठीक वैसे करेंगे, तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस एंड माइनस माइनस मीन्स इज इक्वल टू, आप लिखेंगे पहले माइनस, फिर आप कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस से पहले मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है कि आपको टेंशन नहीं रहती कि आप फिर से माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रहता, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ केवल कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेरिएबल इसमें एक ही है केवल, तो ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा, 5 × 10 और 10 × 10 100 -100 a × a × a। तो यहाँ पर पावर्स को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 = 3, 3 × 3 = 6 a⁴. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -× - प्लस हो जाएगा, +× - हो जाएगा, देयरफॉर माइनस। और इसके बाद हम पहले वाले ब्रैकेट में कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 × 6 × 3। हम साइंस को यहाँ पर नहीं रख रहे हैं क्योंकि साइन को तो मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके थे। ओके, इंटू और वेरिएबल रखेंगे x² × x, इसमें तो x है नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -4 × 12 एंड 12 × 6 = -72। यहाँ पर यदि हम सॉल्व करते हैं तो x² × x × y³ × g². सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ 12, सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस माइनस माइनस, इन ब्रैकेट सारे हम फ्रैक्शंस को रख लेंगे, 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 14/, फिर हम यहाँ पर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a⁴ × a²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ न्यूमरेटर्स है और डिनोमेटर में कुछ कैंसिल करने लायक है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 × 2 एंड 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 7 × 14 एंड 7 × 7 = 7। तो अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी विल मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 × 1 = 3। यहाँ पर हो जाएगा a⁶ × b³, केवल पावर्स को ऐड कर देंगे यहाँ। ओके, सो दिस इज योर आंसर फॉर 12। 13, ध्यान दीजिएगा, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस 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 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस इंटू माइनस जो मिलेगा वो माइनस हो जाएगा, सो आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा माइनस ऑफ। अब यहाँ पर कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/9 मल्टीप्लाइड बाई लिख लेंगे आप 15/7 इंटू माइनस, माइनस को नहीं लिखेंगे, केवल 3/5 लेंगे क्योंकि हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया है एक्चुअली। ओके, तो अब यहाँ पर माइनस देखिए, कुछ कैंसिल आउट करने लायक है तो कर दीजिए आप, 7 × 7 = 7, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 5 = 15 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 एंड 5 × 5 = 5, 5 × 5, सो एवरीथिंग इज कैंसिल्ड, 1 बचा है तो केवल माइनस रखिए, 1 को रख लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पर a को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a का पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 2 मीन्स, तो हमारा ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, a⁴ b³ × c³। नाउ क्वेश्चन 14,
ओके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस, फाइनली हमारा माइनस मिल गया साइन। आफ्टर दैट हम कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू यू स्क्वायर, जितने भी यू के वेरिएबल्स हैं सबको एक साथ लिख लेंगे, तो यू स्क्वायर इंटू यू। सो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5/1 कर लेंगे और न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमेटर में, सो कटा नहीं पाए कुछ भी, तो मिलेगा हमें माइनस 4/5 = 20 माइनस 20/3 = 9 माइनस 20/9। सो ये दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 14। नाउ क्वेश्चन 15, 0.5x मल्टीप्लाइड बाई 1/3xy² जी टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 24x² yg। साइन से हम सबका पॉजिटिव है, सो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही आएगा साइन, तो साइन में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हम केवल कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, यदि हम यहाँ पर डेसिमल हटा दें तो हमें लिखना पड़ेगा 5/10, मीन्स यहाँ करना होगा 5/10, तब जाकर यहाँ डेसिमल हटेगा, तो ये 5/5, 5/2 = 10 मिल जाएगा, और 2/1 = 2, और 2 से ये करा सकते हैं क्योंकि 2 अपन यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, तो 2/2, 2/4, तो यहाँ से हो जाएगा 3/3 एंड 3/4 = 12। फाइनली यहाँ पर और वेरिएबल्स को रख लेंगे, हमने वेरिएबल यहाँ पर रखा नहीं है फिलहाल में सॉल्व करने लगे, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ मिलेगा x^4 क्योंकि 1+1+2, यहाँ पे 2+1 = 3 y³ एंड z^5। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 15। ध्यान दीजिएगा पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन है माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा फाइनली, सो इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, अब यहाँ पर कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/3 कांस्टेंट्स यहाँ वेरिएबल्स देखते हैं, तो p इंटू पी स्क्वायर, तो सेम वेरिएबल्स को हम एक साथ रख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 4/4 एंड 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एंड मिलेगा आपको माइनस 16/5 क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 × 1 × 1, तो माइनस 16/3 मिल जाएगा आपको, इंटू पी स्क्वायर मीन्स 1+2 r^3। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन 17, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, सो प्लस ही रहेगा, कांस्टेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.3, सो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.3 इसको, तो डेसिमल में से पहले हम डेसिमल यदि हटाते हैं और इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको 23/, तो अब यहाँ पर ऊपर और नीचे से कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 4 = 16 एंड 4 25 = 4, सो 4 से कटेगा 4 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10 एंड 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10, सो फाइनली हमारा इतना आ गया, फाइनली 6 and 25 और x²y। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 17। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी आंसर मिल सकता है और आपको मिल जाएगा 0.0368 एंड दिस विल बी योर आंसर। आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों आपका करेक्ट है, तो डेसिमल भी लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट यदि होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, बाय।